हेलो दोस्तों, जब कार्स लेने की बात आती है तो सबको सेडान और लग्जरियस कार का ख्याल आता है क्योंकि उन्हें आरामदायक सफ़र चाहिए होता है। लेकिन आपके सफ़र में आपको कई बार पहाड़ों वाले इलाकों का सामना करना पड़ता है, उस समय आपकी यह लग्जरियस कार काम नहीं आती। इन चीज़ों के लिए स्पेशली ऑफ रोडिंग कार्स बनाई गई है। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 बेस्ट ऑफ रोडिंग कार्स के बारे में बताने वाले हैं, ताकि जब भी आप ऐसी जगह पर घूमने जाओ तो आपको पता हो कि कौन सी गाड़ी ले जानी चाहिए। मेरी यह बात सुन के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम ऐसी कार ले जाए तो इतने लंबे सफ़र में हमें कंफर्ट कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये SUV में आपको ऑफ रोडिंग सिस्टम के साथ साथ सेडान कार जैसी कंफर्ट भी मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन SUV ऑफ रोडिंग कार्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी पहली गाड़ी है लैंड रोवर डिफेंडर। ये कार में आपको बेस्ट ऑफ रोडिंग का एहसास होता है। इसमें आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है और साथ ही 8 स्पीड गेयरबॉक्स। इस कार की कीमत 90 लाख रुपए है। अगली कार है मर्सिडीज बेंज जी क्लास, इसे जी वैगन भी कहा जाता है। ये कार 35 साल पहले मार्केट में लॉन्च हुई थी। इसमें 5.5 लीटर V8 पेट्रोल इंजन है जो 544 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो एक स्पोर्ट्स कार के हॉर्स पावर से कम नहीं है। इस कार की प्राइस 2.52 करोड़ है। अगली कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV में से एक है। इसकी कीमत 30 लाख से शुरू होती है। इसमें आपको 3 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 169 हॉर्स पावर और 343 टॉर्क जनरेट करता है। चौथे नंबर पे आती है रेंज रोवर स्पोर्ट्स। वैसे तो लैंड रोवर की सभी कार्स कंफर्टेबल और ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती हैं। रेंज रोवर स्पोर्ट्स में आपको एक सेडान लग्जरियस कार जितना कम्फर्ट मिलता है। इस कार में 4.4 लीटर V8 इंजन है जो 335 हॉर्स पावर और 700 टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप इस कार को पहाड़ों वाली जगह पर ले जाते हैं तो ये कार आपको वहां के रास्तों का एहसास भी होने नहीं देती। इस कार की प्राइस 86 लाख है। पांचवें नंबर पर है मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स। इसमें 2.5 लीटर डीजल इंजन है जो 176 हॉर्स पावर और 400 टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। अगली कार है मारुति सुजुकी जिप्सी। अगर आप कंफर्ट और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो इस कार में आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इस कार को सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाई गई है। ये कार ज़्यादातर सफारी और एडवेंचर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगली कार है महिंद्रा थार। महिंद्रा कंपनी ने बहुत ही कम प्राइस में इसे लॉन्च किया है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 13.75 लाख। अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां पर रास्ता ना हो, उन जगहों के लिए महिंद्रा थार काम आती है। इस कार में 2.5 लीटर डीजल इंजन है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस है जो इसे किसी भी जगह से निकलने में मदद करती है। आठवें नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसमें 2.2 लीटर CRTE MHawk इंजन है जो 120 हॉर्स पावर और 290 टॉर्क जनरेट करता है। अगली कार है टाटा सफारी। इसमें आपको 2.2 लीटर इंजन है जो 140 हॉर्स पावर और 320 टॉर्क जनरेट करता है। इस कार को बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन यह कार बाकी ऑफ रोडिंग कार्स को टक्कर दे सकती है। हमारी आखिरी कार है जीप रेंगलर। ये कार ज़्यादातर वो लोग खरीदते हैं जिन्हें एडवेंचर करना पसंद हो। ये कार बाकी कारों से लंबी और चौड़ी है। इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन है जो 197 हॉर्स पावर जनरेट करती है। इस कार की प्राइस 68.90 लाख है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।